वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साड़ी अज की वीडियो विच असी दस पो बारे जानकारी प्राप्त करांगे। दस पो ओ दिन है जिस दिन तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माछूवाड़ा साहब पहुँचे अते इसे दिन ही बीबी हरशरण कौर जी की शहीदी हुंदी है अते माता गुजरी जी ते छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह जी नू सरहंद ठंडे बुरज विच पहुँचाया जाता है। नौ पो की रात गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माछीवाड़े के जंगलों विच कल्ले ही गुजारी अते दस पो की सवेर भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी ते भाई मान सिंह जी ने आके गुरु साहब नू उत्थे लभिया ते फिर वह गुरु साहब नू गुलाबे दे खूह ते लै गए अते उत्थे गुरु साहब का इशनान करवाया गया। उस स्थान ते ही अजकल गुरद्वारा चरण कमल साहिब सुशोभित है अते दस पो नू गुरु साहब गुलाबे मसांदे करे रहे। उसने गुरु साहब नू दुध भेट किया अते गुरु साहब की बहुत सेवा की, पर फिर उसनू डर लगन लग गया कि सरकार उसनू फड़ फी ना लवे ते उसने गुरु साहब नू एक खद्दर दा थां ते 5 रुपए रख के मत्था टेकता, जिसका मतलब सी तुसी इत्थों जाओ हुण। नवी खां अते गनोई खां दो भरा सन जो कि कोटला नहिंग खां दे रिश्तेदार सी। इन्हां दी सकी भैण कोटला नहिंग खां नू ब्याही हुई सी। वह गुरु साहब नू अपने नाल अपने घर लै गए अते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दे घर 11, 12, 13 दिन उन्हां दे घर रहे अते उन्हां ते गुरु साहब दी अपार बख्शिश होई। अज भी उस स्थान उत्ते उन्हां दी याद दे विच गुरद्वारा गनी खां नवी खां पाशे दसवीं मौजूद है। नौ पो की रात बीबी हरशरण कौर जी चमकौर के जंग के मैदान विच आए अते उन्होंने सारी रात सारे शहीद सिंघां अते दोने वड्डे साहबजादियां नू लभ के अलग किया अते फिर उन्हां दियां चितावां जला के उन्हां दा संस्कार करन लगे। दस पो दी सवेर जदों मुगल सिपाहियां ने देखिया कि कोई सिख बीबी शहीद होए सिंघां अते साहबजादियां दा संस्कार कर रही है तो उत्थे जंग दे मैदान विच आए अते उन्हां ने बीबी हरशरण कौर नू ज्योंदियां चुक के जल्दी चिता दे विच सिट दिता। इस तरह बीबी जी ने शहीदी प्राप्त की। दूसरे पासे दस पो नू माता गुजरी जी अते दोनों छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी अते बाबा फतेह सिंह जी नू मुरंडे दी कोतवाली तो बदल के सरहंद दे ठंडे बुरज विच कैद किया गया, जिथे उन्हां तिन्ना जाणियां ने पोह दी ठंडी रात विच तीन रातां गुजारियां। अज सानू उन्हां नू याद करदे होए उन्हां दी शहादत दा सत्कार करना चाहिदा है अते उन्हां नू अपना आदर्श बनाउणा चाहिदा है। यही साडी उन्हां नू सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।